वीडियो चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला हिस्सा है। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसको कहते हैं, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड तीन बेसिक क्वांटिटीज देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फोर्स, और हम इनकी यूनिट्स और डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो उनके एक जैसे पोल्स यानी नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट्स के गिर्द एक खास एरिया जिसके अंदर उसके असरात महसूस किए जा सकते हैं होता है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके यूनिट्स टेस्ला हैं, जिनकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे कि टेस्ला किसके बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं। ये फील्ड हमेशा दायरों की शक्ल में होती हैं। जो लाइन नॉर्थ से निकलेगी वो साउथ पोल के ऊपर जाएगी, यानी दायरा हमेशा कंप्लीट होता है। जब जहाँ पर ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, लाइन्स एक दूसरे के करीब होती हैं, और जब फील्ड कमजोर होती है तो लाइन एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। ये लाइन्स कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, हमेशा पैरेलल जाती हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स से इनका फर्क ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो एक लाइन शुरू होती है वो जरूरी नहीं है कि वो खत्म हो किसी और चार्ज के ऊपर जाके, या वापस इस चार्ज के ऊपर वो नहीं आती, वो बस वीक होती जाती है और एक पॉइंट पे हम कहते हैं कि वो लाइन खत्म हो गई, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा वापस आती हैं, सर्कल कंप्लीट करती हैं। हमारी जमीन भी एक मैग्नेट की तरह है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं, और अर्थ के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से अगर हम अर्थ की सतह पे कोई मैग्नेट रखते हैं तो वो अपने आप को जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल के साथ अलाइन कर लेता है, क्योंकि इसका साउथ पोल जमीन के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इसका नॉर्थ जमीन के साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफर इन दैट, दोनों में क्या फर्क होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स व्हाइल मैग्नेटिक आर नॉट, इसके ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक क्लोज्ड नहीं होती, इसलिए ये गलत है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स व्हाइल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट, ये ठीक है। अगले ऑप्शंस देखते हैं। मैग्नेटिक लाइंस कैन गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट, ऐसा नहीं है, दोनों डायरेक्शन देते हैं, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन गिव डायरेक्शन व्हाइल, ये भी गलत है, दोनों डायरेक्शन दे सकते हैं मगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड कर्व्स नहीं होते और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस अवे फ्रॉम द कंडक्टर, डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द कंडक्टर, इंक्रीजेस टुवर्ड्स द कंडक्टर, डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। बेसिकली एक वायर में से जब करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब कॉमन सेंस की बात यह है कि जो सोर्स होता है उसके करीब फील्ड मजबूत होती है, और जब सोर्स से दूर जाती है तो कमजोर होती जाती है। इस केस में हमारा सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का करंट वायर में, तो इसके करीब करीब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाएगी। और लाइन्स, फील्ड लाइन्स की क्या प्रॉपर्टी थी? जब फील्ड कमजोर होती है तो लाइन्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, और जब फील्ड मजबूत होती है तो एक दूसरे के करीब आ जाती है। तो ये वाला जो फासला है, ये जब फील्ड कमजोर होती है तो ये ज्यादा होता है। उन्होंने हमसे इस फासले के बारे में पूछा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम कंडक्टर से दूर जाएंगे तो बढ़ेगा या कम होगा, चूंकि फील्ड कमजोर होगी इसलिए बढ़ेगा। ऑप्शन ए, इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है। डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द कंडक्टर गलत है, क्योंकि अगर डिक्रीज होता ये फासला तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन बी को ही दोबारा से उन्होंने कहा है, डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द कंडक्टर या इंक्रीजेज टुवर्ड्स द कंडक्टर, एक ही बात है। और ऑप्शन डी, डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज की कोई सेंस नहीं बन रही, क्योंकि फील्ड एक सोर्स होता है और उससे दूर जाके कमजोर होती है, ऐसा नहीं होता कि दोबारा से वो स्ट्रांग हो जाए। 1820 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम ऑयस्टर था, वो अपने स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, जिसके दौरान एक उसके पास इक्विपमेंट था, एक वायर जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा था, और उसके पास एक कंपस भी था। अब उसने ऑब्जर्व किया इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कि जब वायर में से करंट फ्लो करता है तो कंपस जो नॉर्मली अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिससे उसने अखस किया कि ज़रूर इस करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और उसने मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए और उसकी फाइनल कंक्लूजन ये थी कि अगर हम इन वायर्स, इस वायर के परपेंडिकुलर एक कार्डबोर्ड रखें और उसके ऊपर हम कंपसेस रखें एक सर्कल में, तो हमें ये पता चलेगा। अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, फर्ज करें ये वायर है और एक कार्डबोर्ड हमने रखा और इसके गिर्द सर्कल में हमने कंपसेस रखे। नॉर्मली जब वायर में से करंट नहीं फ्लो कर रहा तो ये सब नॉर्थ की तरफ पॉइंट करें, जमीन के नॉर्थ की तरफ, मगर जैसे ही करंट फ्लो करता है
तो ये सब अपने आप को एक सर्कल में अरेंज कर लेते हैं उस वायर के गिर्द। अगर एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये सारी नीडल्स उस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग होंगे। अगर हम यहाँ पे कंपास रखते तो वो इधर पॉइंट करता, यहाँ पे कंपास रखते तो वो यूं पॉइंट करता। और जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हैं तो ये सब कंपासेस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। सर्कल में होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। इससे उसने ये आखस किया कि जब एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एक सर्कल में परपेंडिकुलर टू द वायर। और अगर हम राइट हैंड रूल्स एक उसने बनाया कि राइट हैंड से अगर हम इस वायर को पकड़ें और अंगूठा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट में हो तो हमारी उंगलियां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी क्योंकि उससे पहली दफा पता चला कि एक चार्ज जब मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होती है उसकी वजह हमें पता चल गई। हमें पहले क्या पता था कि चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, स्टैटिक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहती है लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम चार्ज से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक और इनकी इंटरेक्शन, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फील्ड है। अगर हम एक चार्ज को वेलोसिटी वी से मूव करें तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अगर इस पूरी चार्ज को जो मूव कर रहा है हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के साथ इंटरेक्ट करती है जिसके नतीजे में एक फोर्स पैदा होता है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स की वजह से ये चार्ज अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। हम देखना चाहते हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है। चूंकि हम चार्ज को लेके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम एक वायर कंसिडर करते हैं। हम एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के अंदर एक वायर को रखते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। इस वायर की लेंथ एल है और उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। इसको हमने टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया, इसमें से करंट फ्लो करा रहे हैं। फर्ज करें कि करंट की डायरेक्शन यू है। अब हम जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस वायर के ऊपर लगेगा और ये वायर अपनी जगह से हिल जाएगी, हम इसको देखेंगे फिजिकली। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से लेते हैं, अगर हम अपने सीधे हाथ की उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाएं और अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी और अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें जो हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया हुआ है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमारे जो हाथ की सीधी साइड है उसके परपेंडिकुलर यानी स्क्रीन से बाहर हमारा फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसको हम इस सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, हमारे करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो हमारा जो फोर्स है वो स्क्रीन से बाहर एक्ट कर रहा है तो ये वायर ऊपर को मूव करेगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके हमें पता चलता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है जितना मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ के दरमियान, जितना करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में से और जितनी इस वायर की लेंथ है। और चौथी चीज़ साइन ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के बीच में एंगल है उसको हम अल्फा कहते हैं। साइन ऑफ अल्फा का मतलब है कि ये दोनों चीज़ें जितनी आपस में परपेंडिकुलर होंगी उतनी ज़्यादा फोर्स, उतना ज़्यादा फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हम के लिख सकते हैं बी आई एल साइन ऑफ अल्फा। इस कॉन्स्टेंट की यूनिट वन होती है इसलिए हम इसको नहीं लिखते, हम सिर्फ एफ को बी आई एल साइन ऑफ अल्फा लिख देते हैं। इसी इक्वेशन को की एक और शक्ल है जो कि पहले वाले हमारे सिनेरियो के लिए एप्लीकेबल है जिसमें हमने सिर्फ एक चार्ज लिया। वो शक्ल यूं है कि हम चार्ज को बी क्रॉस वी कर देते हैं। वी वो वेलोसिटी है जिससे वो चार्ज मूव कर रहा है तो ये भी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आता है। ऊपर वाली इक्वेशन को हम करंट बी क्रॉस एल भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन अल्फा है। तो ये दोनों एक ही प्रिंसिपल की दो मुख्तलिफ इक्वेशन से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। अगर हम सिर्फ एक चार्ज ले रहे हो तो ये इक्वेशन है और अगर हम एक वायर के अंदर करंट देख रहे हो तो ये इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन डिराइव की जा सकती है जो कि हमारे बुक में भी दी हुई है। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं अगर हम करंट लें चार्ज पर यूनिट टाइम और अगर हम वेलोसिटी लें डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है और लेंथ एल कवर कर रहा है, ये दोनों चीजें आप इसमें रिप्लेस करके देखें इस इक्वेशन में तो आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी। करंट की जगह चार्ज की जगह लिख दिया करंट इनटू टाइम,
बी एज इट इज रहने दिया, वेलोसिटी की जगह लिख दिया एल ओवर टाइम. वेलोसिटी की जगह एल हम इसलिए भी लिख सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ की एक डायरेक्शन है. जो वायर है उसकी लेंथ जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में करंट मूव करेगा तो वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी. टाइम टाइम से कट जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है, आई बी क्रॉस एल, जो कि हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है. तो यानी ये एक ही चीज़ की दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है. मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया. इसको हम मैथमेटिकली देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट. इसको हम कैसे देखते हैं, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू के साउथ पे खत्म हो रही हैं, अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी एरिया ले लें तो उस एरिया, इस ये एरिया ए है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा इस एरिया के परपेंडिकुलर होती है. अब एरिया की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उन दोनों के बीच में एंगल जीरो है. बी डॉट ए कॉस थीटा, कॉस जीरो के ऊपर वन होता है, 0 डिग्री वन होता है, मैक्सिमम होता है. तो फिर हमारे पास बी ए आ जाएगा, हमारा फ्लक्स मैक्सिमम है इस केस में. अगर मैं इसी एरिया को 90 डिग्री का टर्न दूं और यू लंबा करके रख दूं बीच में, इसमें से अब कोई फ्लक्स लाइंस नहीं गुजरी. अब एरिया का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 90. तो कॉस 90 के ऊपर क्या होता है, जीरो. फिर हमारे पास फ्लक्स जीरो आ जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट के तौर पर डिफाइन करते हैं. और इस डेफिनेशन से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड की भी डेफिनेशन आती है, जो कि है अगर हम बी को इधर रहने दें और ए को दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ से हम लेके जाते हैं इस इक्वेशन से जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं. फर्ज करें कि हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आया हुआ है, तो बी बराबर होगा फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया. फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया, कोई चीज़ को एरिया से डिवाइड कर दें तो उसकी डेंसिटी आ जाती है. हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी आ गई. इस वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं. मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया बी आई एल साइन अल्फा, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक यूनिट डिफाइन करते हैं. हम अज्यूम करते हैं कि साइन अल्फा वन है, यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है. तो हमारे पास बी फील्ड बराबर होगी फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ. फोर्स के यूनिट क्या है, न्यूटन. करंट के यूनिट है एम्पेयर और लेंथ के यूनिट है मीटर. और ये जो यूनिट है, जब हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स पैदा हो, मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो, जब हमने 1 एम्पेयर करंट गुजरा एक वायर में से जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं 1 टेस्ला. और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्टैंडर्ड यूनिट है. मैग्नेटिक फील्ड को बी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं. और जैसा कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, हम इसको फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं. तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड के मुख्तलिफ नाम हैं. फ्लक्स डेंसिटी क्योंकि फ्लक्स पर यूनिट एरिया के बराबर होती है. करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट. फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज. मैग्नेटिक फोर्स की जो इक्वेशन है उनकी दो शक्लें हमें पता है, एक चार्ज के लिए और दूसरी अगर हमारे पास कंडक्टर हो, तो उसकी ये फॉर्म होती है. एल क्रॉस बी का मतलब होता है बी आई एल साइन थीटा. तो बी आई एल साइन थीटा हर कंडीशन के लिए ठीक है, ऑप्शन सी है. मगर उन्होंने हमें कहा है कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी थीटा हमें गिवन है, थीटा 90 है, परपेंडिकुलर है. तो साइन 90 चूंकि 1 होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा ज़्यादा मुनासिब ऑप्शन है. बाकी जो ऑप्शन हैं, कॉस थीटा टेक्निकली गलत है और ऑप्शन डी की वैसे कोई सेंस नहीं बन रही. ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हम सोच सकते हैं कि साइन थीटा ठीक करना है या नहीं, मगर चूंकि हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसलिए हम ऑप्शन टी ए को सही करेंगे. हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 × 10⁻³ टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट. अब उन्होंने हमसे पूछा हुआ है हाउ फास्ट, और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं मीटर पर सेकेंड उनकी यूनिट्स हैं, यानी उन्होंने हमसे वेलोसिटी पूछी हुई है प्रोटॉन की, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है, और मैग्नेटिक फोर्स हमें दिया हुआ है इनडायरेक्टली, कहा हुआ है कि वो उसके वेट के बराबर है. इससे हमारे जहन में, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की दो ही इक्वेशंस हैं, एक ये है और दूसरी करंट एल क्रॉस बी है, जो कि एक वायर के लिए होती है. तो वो हम यूज नहीं कर सकते, हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे जो एक चार्ज के लिए होती है. इसमें, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं. प्रोटॉन का चार्ज हमें याद होना चाहिए ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए. बी हमें गिवन है और फोर्स हमें इनडायरेक्टली गिवन है, फोर्स उसके वेट के बराबर है.
फोर्स इज इक्वल टू एम जी होता है, ये हमें वेट बताता है किसी चीज का। प्रोटॉन का हमें नॉर्मली मास याद होता है, वेट याद नहीं होता। अगर आपको मास याद है तो आप उससे वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मास होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम्स। इसको अगर आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेट आ जाएगा न्यूटन्स में, 1.64 इंटू 10 रेज टू पावर -26 न्यूटन्स। ये वाली वैल्यू हम मैग्नेटिक फोर्स के यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन में बाकी सारी चीज़ें गिवन हैं, हम सिंपली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू बी। हम ये ज्यूम करते हैं कि ये 90 डिग्री का उनके बीच में एंगल है सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हमें नहीं दिया हुआ। 1.64 इंटू 10 रेज टू पावर -26 न्यूटन्स डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटोन याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड 2.5, ये गिवन है, इंटू 10 रेज टू पावर -3। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप सिंपली 1.64 को इसके साथ काट भी सकते हैं सिंपलिसिटी के लिए। 1/2.5 होता है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय, ये सारी पावर्स एडअप करें, 10 रेज टू पावर -4 बनता है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट है। अगर आप इस पॉइंट को इधर मूव कर दें और इसको 5 कर दें तो ऑप्शन डी हमारा ठीक है।